नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्पेशली मैं आज आपको बताऊंगा इस मशीन के बारे में जो कि है ग्रीफ्स MK12। ये 2 HP का मशीन है। तो ये मशीन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। इसका मशीन की जो है कैपेसिटी और कितना पानी ये उठाता है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। तो आखिर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपके पास ये मशीन है तो अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट नहीं होने का रीज़न क्या है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो 4-5 पॉइंट ध्यान में रखना। पहले तो हो गया ये कि ये जो मशीन है ये पेट्रोल पे चलता है, यानी कि पेट्रोल पे स्टार्ट होता है और केरोसिन पे रन होता है। तो अगर मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप चेक करिए कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है, आप पहले ये जो पुल्ली होता है, मतलब इसको जिस स्टार्टिंग जिसको बोलते हैं, आप इसको घुमाइए इसी तरह। तो अगर ये टाइट हो रहा है, देखिए ये अभी टाइट हो रहा है, तो अगर इसे टाइट होगा तो कंप्रेसर सही है। तो अगर बराबर घूमेगा तो कंप्रेसर नहीं होगा। तो कंप्रेसर अगर नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, इसका मतलब कि मतलब इंजन में कोई दिक्कत है, तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। अगर आप चेक करेंगे कंप्रेसर सही है तो उसके बाद आप ये सारी यहाँ पे जो वायर वगैरह है इसको आप देख लीजिए, कहीं तो टूटा फूटा नहीं है, क्योंकि अगर स्पार्क प्लग में करंट नहीं जाएगा तो भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हो गया पहला स्टेप। और सेकेंड स्टेप ये है कि आपको इसको जो स्पार्क प्लग है इसको आप ओपन कर लेना है, और यहाँ से चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो सारी करंट है इसे आप रखना है, और उसके बाद पुली घुमाना है। इसके बाद अगर यहाँ पे छोटी छोटी स्पार्क होगा तो लगेगा कि करंट आ रहा है, तो मतलब कि स्पार्क प्लग जो है वो सही काम कर रहा है। अगर इसके बाद भी स्टार्ट नहीं होगा है तो आपको यहाँ इसको खोलना पड़ेगा, खोल के आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कहीं तो मतलब ये तो ठीक है ना, स्पार्क प्लग अगर सही नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले कार्बोरेटर चेक करना पड़ेगा, कार्बोरेटर में किरोसिन और जो पेट्रोल है वो सही तरह से आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद आप टैंक की जो पाइप होता है, ये जो पाइप, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पाइप में कभी कभी दिक्कत आ जाता है। और उसके बाद आपको जो करना पड़ेगा कि देखिए क्या होता है ना, मशीन जब रह जाता है बहुत दिन तो स्टार्ट होने में बहुत सारी दिक्कत आता है, तो आपको पहले यहाँ भी चेक करना पड़ेगा कि पेट्रोल सही से आ रहा है कि नहीं। स्टार्ट पे रख के चेक करना पड़ेगा, यहाँ से पेट्रोल लीकेज होगा, इसको जब खोलेंगे आप तो यहाँ से पेट्रोल लीकेज होगा, तो इसका मतलब पेट्रोल सही से आ रहा है। और ये एक एडजस्टिंग नॉट है, इसको भी आपको देखना है कि ये मतलब सही तरह से बैठा हुआ है या नहीं, क्योंकि ये अगर गलती में मतलब घूम गया होगा ज़्यादा या सही होगा तो इसकी वजह से भी स्टार्ट नहीं होता है कभी कभी। तो बाकी ये था कुछ पॉइंट्स। और सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी मेंशन है कि आपको इंजन ऑयल चेक करके ही स्टार्ट करना है। तो बस ये थी कुछ बातें। और देखिए मशीन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी तरह काम कर रहा है, मतलब पानी कैसे उठाता है। तो बस बने रहिए वीडियो में, और अभी तक अगर सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।